परभणी महापालिकेच्या निवडणूक होऊ घातली आहे. या पार्श्वभूमीवर एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष सय्यद मोईन यांची जाहीर सभा तिथे होणार आहे. परभणीतील एमआयएमचे पदाधिकारी यासाठी कामाला लागलेत. मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यात एमआयएमने आपले झेंडे गाडल्यानंतर आता त्याची नजर परभणी महापालिकेवर आहे. यामुळे जिल्हाध्यक्ष झाकीर कुरेशीसह एमआयएम कार्यकर्ते परिश्रम घेताना दिसत आहेत. काल दर्गा परिसरात झालेल्या मीटिंगमध्ये इच्छुक उमेदवार मिनाज हश्मी यांना उमेदवारी देण्यात आली. यावेळी या प्रभागातील चारही उमेदवार निवडून येईल असा विश्वास हश्मी यांनी व्यक्त केला. पहिला मुद्दा मेरा यहाँ पर सबसे ज्यादा नल का जो पानी का मसला है. यहाँ पर मेरी माए बहने जो है वो शदीद परेशान है पानी के सिलसिले में. और कई 1984 से यहाँ पर नल का पाइपलाइन गया है लेकिन वहाँ पर जो है पानी नहीं है, सड़कें नहीं हैं और बिजली तो खत्ते ही नहीं है. बहुत परेशान लोग हैं. मेरा ये मुद्दा रहेगा ज़्यादातर कि वार्ड को सुधारना ये प्रेफरेंस है, ये तो पहले शुरू करना ही है. ठीक है, सबसे पहली बात हाजी हमीद कॉलोनी जो है सबसे बुरा हाल उस एरिया का है. बोला क्या, जब बारिश में आप लोग वहाँ जाते तो जा ही नहीं सकते असल में. ठीक है, दूसरे मुद्दे पर ये बात करना है कि आज मुसलमानों को दबाया जा रहा है. सबसे मेन मुद्दा जो है हर चीज़ में, आप पाकिस्तान चले जाओ, कोई बोलता आप जो है सो इस ज़मीन को भूल जाओ, समझ रहे ना, मस्जिद के बारे में बता रहा हूँ मैं, बाबरी मस्जिद के बारे में. तो ये जो बोलते हैं कि यहाँ पे से बिल्कुल जो है तो आपका जो है तो दाना पानी उड़ गया. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें यहाँ रहने की, इज्जत के साथ रहने की इजाज़त देता है. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके ज़रिए से हम हमारा हक़ लेके रहेंगे. और एमआईएम जो है मुसलमानों के हक़ के वास्ते ही ये पार्टी मैदान में आई है. देखिए, आज तक जो चलता आया है ये धन शक्ति चलता आया है वार्ड में, मतलब एक बिजनेस के तौर पर पैसा डालो और पैसा निकालो. लेकिन इस बार ज़ोर शोर से जो एमआईएम उतरी है ये विकास के मुद्दे पे उतरी है. हमारा मुद्दा यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना चाहते हैं. आज जो है रोड और रास्ते, नालियाँ, पानी, ये चीज़ की जो सबसे ज़्यादा मसला है हमारे वार्ड में, इसको हम पूरी तरीके से दूर करना चाहते हैं. नंबर 11 और वार्ड नंबर 13 इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ से पूरी ज़ोर और ताकत से लड़ाएगी. हमारे पास अभी डॉक्टर हाशमी साहब और एडवोकेट हाशमी और युवा नेते नदीम फारूकी, इनके फार्म आ चुके हैं. और हमने यहाँ के नौजवानों से अपील की है कि आप लोग अपने सियासी हक लेने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अपना उम्मीदवारी फार्म भरिए और आने वाले इंतखाबात में जीत हासिल करके अपने मसाइल पे महानगर पालिका में पहुँचिए. जीवन न्यूज पुणे मेट्रो साठी प्रतिनिधि सलीम शेख, परभणी.